So hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Captain America The First Avenger. First of all, तो मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और इसके पीछे रीज़न ये था कि मैं अपनी नई स्ट्रेटजीज़ के पीछे लगा हुआ था, लेकिन अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप इन पर वीडियो क्लिप्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च करी और अब मैं इसमें वीडियो क्लिप का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसी के साथ में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ इस पूरी यानी कि कंप्लीट कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने। इस कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक के एक वीराने में, जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा जहाज एक जगह पर काफी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ हुआ दिखता है। वहाँ पर कुछ लोग आकर उस प्लेन पर अपनी तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक टीम भी आती है जो ज़मीन को खोदकर उस जहाज में जाने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें मिलती है एक लाल और नीले रंग की एक शील्ड। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि ये शील्ड और किसी की नहीं, ये है कैप्टन अमेरिका की। अब ये बात मैं आपको आगे रिवील करूँगा कि कैप्टन अमेरिका यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1942 में, जहां हमें दिखाया जाता है नॉर्वे का टॉन्सबर्ग शहर। और अगर आपको पता होगा इस तो मैं आपको बता दूं, ये वही टॉन्सबर्ग शहर है जिसकी शुरुआत हमें थॉर मूवी की स्टार्टिंग में भी दिखाई गई थी। तो हमें यहां पर दिखाया जाता है कि एक जर्मन सोल्जर्स की पूरी टीम अपने लीडर जॉन स्मिथ के साथ में मिलकर एक मिस्टीरियस चीज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो सीधा जाकर पहुंचते हैं एक चर्च में। चर्च में जोहान स्मिथ को वहां का एक पादरी मिलता है। जब जोहान उससे पूछता है कि आखिर तुमने वो खास चीज़ कहाँ पर छुपा रखी है, तब वहाँ पर वो पादरी जोहान से कहता है कि वो चीज़ तुम्हारे बस की नहीं, वो देवताओं की शक्ति है और तुम उसे कभी भी काबू नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ पर जोहान अपनी चालाकी का यूज़ करता है और पास ही एक दीवार के अंदर उसे एक स्विच मिल जाता है, जिसे दबाकर उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर होता है टेसरेक्ट। इस टेसरेक्ट को वैसे तो कॉस्मिक क्यूब भी कहते हैं, और इसके बारे में और भी डिटेल्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है एक साल यानी कि 1943 में। यहाँ हमें दिखाया जाता है इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है स्टीव रॉजर्स, जो कि आगे चलकर बनने वाले हैं हमारे प्यारे कैप्टन अमेरिका। जब शुरुआत के अंदर ये वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अपनी सेना में शामिल होने के लिए काफ़ी ट्राई करते हैं, लेकिन इनकी हेल्थ इश्यूज़ के चलते इन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें दमा, अस्थमा और साथ ही काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। वो जितनी बार भी सेना में शामिल होने के लिए ट्राई करते लेकिन हर बार वो वहाँ पर फेल हो जाते। तब वहाँ पर स्टीव कहता है कि मैं भी इस पूरी सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हेल्थ इश्यू के चलते हर बार मुझे नाकामयाबी मिलती है, क्या तुम मेरे लिए इस बारे में कुछ कर सकते हो? तभी वहाँ पर बकी बाउंस कहता है कि आज शाम भविष्य की एक प्रदर्शनी लगने वाली है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगे? तब स्टीव उससे हाँ कह देता है। और उसी शाम को जब स्टीव और बकी बाउंस उस भविष्य की चीज़ों वाली प्रदर्शनी में पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है वहाँ पर हॉवर्ड स्टार्क से। लेकिन तभी वहाँ से बकी और स्टीव वहाँ से आगे निकल जाते हैं, और आगे निकल कर जब वहीं पर स्टीव को सेना के कुछ लोगों की तस्वीरें दिखती है तो वो अपने आप को खड़ा होकर उनमें देखने लगता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी इस पूरे देश की सेना के लिए कुछ कर पाऊँगा। लेकिन तभी बकी पीछे से आकर उसे कह देता है कि तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ इश्यू के कारण तुम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तब वहाँ पर स्टीव अपने जुनून को बकी के सामने पेश करता है और उसे कहता है कि मैं इस देश का वासी हूँ और मैं अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हूँ। और इन्हीं बातों को वहाँ पीछे खड़े डॉक्टर रेंस्टैंक सुन लेते हैं। वहीं उस प्रदर्शनी में सेना में जवानों की भर्ती के भी फॉर्म्स भरे जा रहे थे, और जब ये बात स्टीव को पता चलती है तो वो भी भागकर वहां पर अपना फॉर्म भरने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही उसका फॉर्म वहां के मेन निरीक्षक इंसान के पास में पहुंचता है, वो समझ जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है और इसने कई बार पहले भी ट्राई कर लिए हैं लेकिन ये उसमें फेल हो चुका है। लेकिन इस बार डॉक्टर रेंस्टैंक भी वहां पर थे और वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, और क्योंकि उन्होंने स्टीव की बातें सुन ली थी तो वो खुद उसके सामने जाकर उससे पूछना चाहते थे कि आखिर तुम इतनी बार फेल क्यों हुए। डॉक्टर रेंस्टैंक आकर स्टीव को पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ से हो, तो पहले तो स्टीव झूठ बोलता है, लेकिन जब रेंस्टैंक उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तब वहाँ पर स्टीव कहता है कि हाँ मैं ब्रुकलिन से हूँ। और इस बार वहाँ पर रेंस्टैंक की तरफ से स्टीव रॉजर को मिलता है A1।
अगर आप इस साइन यानी कि अगर आप इस सिंबल को थोड़ा गौर से देखेंगे तो ए का मतलब कैप्टन अमेरिका और वन का मतलब फर्स्ट एवेंजर। तो यानी कि ये जो सिंबल है ये इस मूवी को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है, यानी कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एक सैनिक छावनी की तरफ, जहाँ पर वहाँ के मेन कमांडर चेस्टर फिलिप और पैगी कार्टर भी होते हैं। उन्हें एक खास एक्सपेरिमेंट के लिए स्टीव रॉजर्स जैसे ही किसी इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर चेस्टर फिलिप कई बार डॉक्टर एंस्टाइन से कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा जवान है जो कि इससे कई ज़्यादा फुर्तीला, कई ज़्यादा ताकतवर और कई ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला है। लेकिन तब वहाँ पर डॉक्टर रेंस्टैंग एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और वो वहाँ पर एक बॉम्ब फेंक देते हैं। नॉर्मली इस बॉम्ब को देखकर सभी सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव रॉजर उस बॉम्ब पर कूद जाते हैं और वहाँ पर उन सभी की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने तक की भी बात आ जाती है। तब जाकर वहाँ पर फिलिप चेस्टर को समझ में आता है कि आखिर डॉक्टर रेंस्टैंग ने ही स्टीव रॉजर्स को क्यों चुना, और इस बार वो उनकी बात पर एग्री करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टीव रॉजर्स को हरी बत्ती दिखा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में हमें दिखाया जाता है रेड स्कल अपने एक साइंटिस्ट जिसका नाम है आर्मिन ज़ूला, वो दोनों मिलकर टेसरेट की शक्तियों के ऊपर कुछ काम कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि वो उससे एक ऐसा एनर्जी सोर्स बनाए जो उनके जंगी जहाज़ों को इतनी पावर दे सके कि वो किसी भी जंग में जाए तो 5 से 6 दिन तक उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनकी बैटरी खत्म ना हो और जिस भी जंग में जाए वो हमेशा वहाँ से जीत कर ही लौटें। और इसी के चलते आर्मिन ज़ूला एक ऐसी मशीन बना ही लेते हैं जो उस टेसरेक्ट से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करके बाकी सभी टैंक्स में उस एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता था। वहीं अगली सुबह पैगी कार्टर के साथ में स्टीव रॉजर अपने शहर ब्रुकलिन में पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर रेंस्टैंग की वो मशीन अवेलेबल थी जो कि किसी भी इंसान को एक सुपर सोल्जर बनाने के अंदर सक्षम थे, और इस मशीन को बनाया गया था हॉवर्ड स्टार्क की तरफ से। और इस मशीन में जो सीरम यूज होने वाला था वो बनाया था डॉक्टर रेंस्टैंग ने। जैसे ही वो मशीन अपने 70% तक पहुंचती है तो वहां पर कई सारी चिंगारियां निकलने लगती है, काफी सारे शॉर्ट सर्किट भी होने लगते हैं। मशीन में से स्टीव रॉजर्स के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और ऐसा लगता है कि अब लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट बिगड़ने वाला है। तभी सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट वहीं पर रोका जाना चाहिए, लेकिन तभी वहां पर स्टीव रॉजर अंदर से मशीन में से चिल्लाते हैं कि नहीं, इसे पूरा 100% कर दो, मैं ये झेल सकता हूं। और तभी वहां पर हॉवर्ड स्टार्क मशीन को अपनी 100% फुल पावर पर खोल देते हैं और तभी हमारे कैप्टन अमेरिका यानी कि द कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर का जन्म होता है, जो कि पहला सुपर सोल्जर सीरम पाकर एक सुपर सोल्जर बनाए गए थे। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद में वहां मौजूद स्किमिट के ही एक खुफिया जासूस की मदद से वहां पर डॉक्टर रेंस्टैंग पर हमला हो जाता है, और वो एसेसियन यानी कि जो खुफिया जासूस था वो वहां पर डॉक्टर रेंस्टैंग को गोली मारकर वहां मौजूद सुपर सोल्जर सीरम को लेकर भागने लगता है। तब वहां पर स्टीव रॉजर डॉक्टर रेंस्टैंग को बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन तब वहां पर रेंस्टैंग कहते हैं कि असली हीरो तुम्हारे अंदर है और मेरी जान इतनी कीमती नहीं जितना कीमती कि वो सीरम है, अब तुम जाओ और उसे पकड़कर वो सीरम वापस लेकर आओ। वहीं पर स्टीव रॉजर भागते हुए उस खुफिया जासूस का पीछा करने लगता है, लेकिन वो खुफिया जासूस वहां से गाड़ी में बैठकर शहर की गलियों में से निकलता हुआ आगे बढ़ने लग जाता है, और वहीं से भागकर कैप्टन अमेरिका उस जासूस को पकड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन उसी बीच वो जासूस एक साइनाइड की गोली खा लेता है और हेल हाइड्रा यानी कि जय हाइड्रा बोलकर वहीं पर मर जाता है, और मरने से पहले स्टीव से कहता है कि एक सर कटेगा तो 2 सर और निकल जाएंगे। वहीं पर डॉक्टर रेंस्टैंग के मर जाने और साथ ही सुपर सोल्जर सीरम के खत्म हो जाने की वजह से अब पूरी US गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो और सुपर सोल्जर नहीं बनाएगी, और जो एक हमारे पास है यानी कि स्टीव रॉजर उसे ही एज अ कैप्टन अमेरिका बनाकर एक सोशल फिगर बनाकर सभी देश के जवानों में जुनून भरने का काम करेगी। 1943 में एक कैंपेन के तहत वहां पर स्टीव रॉजर्स को पता चलता है कि उसका खास दोस्त बकी बांस जो कि MIA एक सोल्जर टीम के अंदर था, वो स्किमिट के खिलाफ लड़ने के लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन उनकी पूरी की पूरी टीम को स्किमिट ने यानी कि रेड स्कल ने अपने कब्जे में कर लिया था। स्किमिट के बनाए हुए खुफिया अड्डे पर घुसकर कैप्टन अमेरिका वहां मौजूद बकी बांस और उसकी पूरी टीम को वहां से बचाकर निकालने में सफल हो जाता है, लेकिन उसी बीच वहां पर कैप्टन अमेरिका का सामना रेड स्कल यानी कि स्किमिट से भी होता है, और वही तब जाकर हमें उसका असली चेहरा भी रिवील होता है कि अब उसका पूरा शरीर बिल्कुल एक तरीके से लाल सुर्ख हो चुका है। जब कैप्टन वहां पर रेड स्कल को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन उस वक्त वहां पर रेड स्कल अपने आर्मिन ज़ूला यानी कि अपने साइंटिस्ट के साथ में वहां से भाग जाता है।
कैप्टन अमेरिका वहां मौजूद सभी लोगों को बचाकर फिर से अपनी सैनिक छावनी में लेकर आ जाता है, साथ ही अपने बकी बांस यानी कि अपने खास दोस्त को भी वहां उस जहन्नुम से निकाल कर ले आता है। इस कमाल के कारनामे की वजह से पूरी की पूरी आर्मी कैप्टन अमेरिका का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करती है और उसके स्वागत में एक शानदार पार्टी भी रखी जाती है। उस पार्टी में कैप्टन अमेरिका रिवील करता है कि जब मैंने रेड स्कल के अड्डे पर हमला बोला था तब मैंने वहां पर उसके मैप पर कई सारे देशों के निशान देखे थे जिन पर अब वो हमला करने वाला है। कैसा हो कि अगर हम उसके हमला करने से पहले ही उसके पूरे के पूरे बेस को नष्ट कर दें। तो वो उन सभी सैनिकों जिन्हें उसने अपने इस पुराने मिशन में बचाया था उन सभी को मिलाकर एक टीम बनाता है और कहता है कि अब हमें रेड स्कल यानी कि उसकी पूरी जर्मन टीम को खत्म करना है, क्या तुम मेरे साथ हो? तभी वहां पर उसके सभी साथी हाँ में जवाब देते हैं और रेड स्कल की बैंड बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त वहां पर कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स भी आ जाता है और वो कहता है कि हम एक नए मिशन के लिए जाने वाले हैं, क्या तुम मेरे लिए कोई सुरक्षा का हथियार बना सकते हो? तब वहां पर हॉट स्टार कहता है कि मैंने कई बार तुम्हें एक कवच के साथ लड़ते हुए देखा है और तुम उसे काफी अच्छे तरीके से यूज भी करते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक कवच ही दे दूं, मेरे पास यहां पर 4 से 5 कवच है। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर की नजर पड़ती है उस असली शील्ड पर जो अभी तक हमें दिखाई गई थी। एक सीक्रेट मिशन के तहत कैप्टन अमेरिका आर्मिन जोला को पकड़ने के लिए उसका इंतजार करता है और अपनी पूरी टीम को एक तरीके से खुफिया तरीके से उस ट्रेन के अंदर पहुंचा देता है। हालांकि कैप्टन अमेरिका आर्मिन जोला को पकड़ने में सफल तो हो जाता है लेकिन इसी जद्दोजहद के अंदर वहां पर उसका खास दोस्त यानी कि बकी बांस उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आर्मिन जोला को पकड़कर सैनिक छावनी में लेकर आया जाता है तब उसके तरफ से ये पता चलता है कि उसने और साथ ही रेड स्कल ने मिलकर कई सारे देशों पर बड़े बड़े बम गिराने का डिसाइड किया है। और इस बात की पता जब कैप्टन अमेरिका को चलती है तो वो अपनी पूरी टीम के साथ में उसके सभी डेटाबेस को नुकसान पहुँचाने के लिए वहां से निकल जाता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब उनके मेन बेस पर पहुंच जाता है। रेड स्कल को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने बड़े से विमान यानी कि एक बड़े से एरोप्लेन के अंदर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन कैप्टन अमेरिका अपने खास दोस्त यानी कि चैटर फिलिप और साथ ही पैगी कार्टर के साथ में एक कार की मदद से उस विमान तक यानी कि उस एरोप्लेन तक पहुंच ही जाता है और उसके अंदर एंट्री ले लेता है। और तभी हमें 1-on-1 कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बीच में एक शानदार कूल फाइट देखने को मिलती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी होने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन उसी बीच वहां पर कैप्टन अमेरिका अपना शील्ड फेंक कर रेड स्कल पर मार देता है जिसकी वजह से वो उस मशीन से टकरा जाता है जो कि कॉस्मिक क्यूब को काबू कर रही थी। उस मशीन से टकरा जाने की वजह से कॉस्मिक क्यूब अब उस मशीन से नीचे गिरने वाली थी। तब वहां पर रेड स्कल उस कॉस्मिक क्यूब यानी कि टेसरेट को उठा लेता है लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि रेड स्कल उसकी पावर को काबू नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर में वो एक तरीके से इवेपोरेट होकर कहीं दूर चला जाता है। हो ना हो शायद वो वॉर्मीर पर ही पहुंचा हो। अब यहां पर कैप्टन अमेरिका उस पूरे विमान के अंदर अकेला होता है और अब उसे दिखाई पड़ता है कि न्यूयॉर्क, मेक्सिको, मिशिगन और कई सारे देशों पर फेंके जाने वाली मिसाइल उस पूरे के पूरे एरोप्लेन के अंदर थी। तो अब कैप्टन अमेरिका के पास में और कोई चारा नहीं होता तो वो एंड में ये डिसाइड करता है कि वो उस प्लेन को एक तरीके से क्रैश करवा देगा और लास्ट में वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि पैगी कार्टर को कॉल लगाकर उसे कहता है कि इस विमान के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं जो कि पूरे यूएसए को तबाह कर सकती हैं, तो मेरे पास में और कोई चारा नहीं है इसलिए मुझे इस प्लेन को आर्कटिक के अंदर कहीं एक वीराने में क्रैश करवाना पड़ेगा। और तभी हम एक सैड सीन देखते हैं और वहाँ पर कैप्टन अमेरिका उसे बाय करता है। वहीं पर कैप्टन अमेरिका और उसका एयरक्राफ्ट आर्कटिक के अंदर एक जगह पर क्रैश हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि हॉवर्ड स्टार को समुद्र के अंदर एक टेसरेक्ट यानी कि कॉस्मिक क्यूब मिल ही जाता है। तब वहां पर हॉवर्ड स्टार अपनी पूरी टीम से कहता है कि अगर टेसरेक्ट मिला है तो कैप्टन अमेरिका भी ज़रूर मिल जाएगा। और अब जब उन्हें कैप्टन अमेरिका मिल जाता है तो वो उसे अपनी शील्ड फैसिलिटी में ले आते हैं। स्टीव को कुछ पता ना चले इसलिए वो आसपास का माहौल 1943 का ही बना लेते हैं। वहीं मौजूद एक रेडियो में से पुराने मैच की कमेंट्री चल रही थी। तब वहां पर स्टीव रॉजर्स का दिमाग ठनकता है और वो सोचता है कि ये मैच तो वही है जिसके अंदर मैं खुद बैठा हुआ था, तो आखिर इस मैच की कमेंट्री मैं यहां पर बैठे किस तरीके से सुन रहा हूं? तभी उसे पता चलता है कि ये सब कुछ तो एक जाल है और वो वहां से निकलकर भागने लगता है। और तभी वो पहुंचता है न्यूयॉर्क के मेन टाइम्स स्क्वायर में। तभी वहां पर निक फ्यूरी की एंट्री होती है और वो उसे कहते हैं यहां
यहाँ से 70 साल आगे आ चुका है, तब ये सब कुछ तुम्हें समझाना काफी मुश्किल था, इसलिए हमने ये शुरुआत करी कि हम तुम्हें धीरे धीरे बताएंगे, मगर तुम तो काफी होशियार निकले और तुमने पलक झपकते ही सब कुछ जान लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी, जो कि आकर कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन है। और इसी के साथ ये मूवी कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म होती है।